ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। एक बार क्या हुआ, इंद्र का और रावण का युद्ध हुआ, तो उस युद्ध में इंद्र परास्त हो गए। उसके बाद इंद्र ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, मेरी हार का क्या कारण है? तो गुरुदेव बताते हैं कि रावण के पास विशेष ज्ञान है इंद्रजाल का। तो इंद्रजाल इतना पावरफुल है कि इसने इंद्र को भी हरा दिया। सोचिए, इसके बाद जो है, इंद्र ने इस पर काफी शोध किया, अध्ययन किया, और इसके बाद इंद्रकृत एक इंद्रजाल बना। इससे पहले जो है, ये जो ज्ञान था ये रावण के पास था। रावण के बाद इंद्र के पास ही ज्ञान आया। तो आज उसी में से मैं आपको एक मंत्र दूंगा जो कि कभी खाली नहीं जाता। ये कामदेव का एक ऐसा मंत्र है जो कि किसी को भी आपकी तरफ आकर्षित कर देगा। अगर आपके पारिवारिक जीवन में कोई भी व्याधा आ रही हो, कोई भी परेशानी आ रही हो, तो आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। ये कामदेव का मोहिनी मंत्र है। इसको जिस जिसने किया उसने इसका असर देखा है। हफ्ते भीतर ये काम करना शुरू कर देता है, और जो भी आपकी कामना होती है वो एक हफ्ते के भीतर भीतर पूरी हो जाती है। इसकी प्रयोग विधि बहुत सरल है। आपको इस मंत्र को आधी रात के बाद कभी भी 1200 बार या फिर 12 माला आपको ये जाप करनी शुरू कर देनी है। अगर आप इसको सूर्य ग्रहण, होली, दिवाली पर करोगे तो ये ज़्यादा असरदार रहेगा। जिसके भी बारे में आप सोचोगे ये मंत्र करते हुए, तो वो आपके प्यार में व्याकुल हो जाएगा। और ये बहुतों पर आजमाने के बाद मैं आपको दे रहा हूँ। ये जो चीज़ें हैं ये गुप्त रखी जाती है, लेकिन आज मैं इसको साझा कर रहा हूँ। तो आप मंत्र देख लीजिए एक बार, इसको लिख लीजिए, और अगर समझ में ना आए तो मुझे कॉल कर सकते हो। ओम नमो भगवते कामदेवाय, सर्वजन प्रियाय, सर्वजन सम्मोहाय, ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल हन हन, वद वद तप तप, सम्मोहाय सम्मोहाय, सर्वजन मे वश्यम, कुरु कुरु स्वाहा। अगर आपको सभा को मोहन करना है तो सर्वजन चल जाएगा, लेकिन अगर आपको किसी एक व्यक्ति को आकर्षित करना है तो सर्वजन की जगह उस पर उसका नाम लीजिएगा। अब इस मंत्र को मैं लिखकर भी आपको दे दूंगा, अगर कोई दिक्कत आए तो आप वहां से पढ़ सकते हो, और इसकी विधि भी मैं वहीं पर आपको दे दूंगा। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए तो आप जा सकते हैं searchtops.com पर, वहां पर इसका विस्तार में आपको बताया जाएगा कि कैसे करना है और क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। इसमें परहेज बहुत रखने होते हैं। पहली बात, मांस मदिरा का सेवन ना करें। दूसरा, आप किसी भी ऐसे स्थान पर ना जाएं जब आप साधना काल में हो, जहां पर किसी की मृत्यु हुई हो। तीसरा, क्लीनिनेस का बहुत ध्यान रखें, अपने आप को साफ सुथरा रखें, और आलस्य त्यागें, और जितना ज़्यादा हो सके इसका मंत्र का जाप करें या ध्यान करें। और इन दिनों में आपको सिर्फ वही सोचना है जो आप चाहते हैं। कोई भी ऐसा नेगेटिव विचार आपके दिमाग में घूमना नहीं चाहिए जो आप नहीं चाहते। जिस चीज़ के बारे में आप सोचोगे वही आपके सामने आएगा। तो कामदेव का ये मंत्र आपको आपकी जो भी अभिलाष है उसको पूरा करने में आपका सहयोग करे। इसी कामना के साथ मैं आज्ञा चाहूँगा। आप मुझे कॉल करके भी पूछ सकते हो, जो भी अगर कोई दिक्कत परेशानी आए तो 9982816625 पर। धन्यवाद।